भजन संहिता 7 न्याय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको शेर के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने वह किया हो जैसा वो कह रहे हैं, यदि मेरे हाथों से अन्याय का काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मुझे अपमानित करके मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोग तेरे चारों ओर इकट्ठे हुए हैं, तू फिर से उनके ऊपर विराजमान हो। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरी धार्मिकता और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और आत्मा दोनों ही को जानते हैं। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर न्यायी और धर्मी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य मन न फिराए तो वह अपनी तलवार पर धार चढ़ाएगा और युद्ध के लिए अपना धनुष तैयार करेगा, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। दुष्ट जन विनाश की योजनाओं को अपने गर्भ में धारण किए हुए है। वे झूठ को जन्म देते हैं। उसने गड्ढे खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धार्मिकता के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमीन।